हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। आज हम आपकी डिमांड पर दिखाने वाले हैं सोनप्रयाग टू गौरीकुंड तक का कंप्लीट रूट। रोड्स के हालात अभी कैसे हैं, रोड्स कहां कहां से टूटा है और जो रास्ते टूटे हैं क्या वो बनाए गए हैं या फिर नहीं, क्या सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सीज मिल रही है और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो करते हैं स्टार्ट। आप देख सकते हो सोनप्रयाग पार्किंग के हालात कुछ इस तरह से है। ये पूरी पार्किंग भी कीचड़ से, ये देखिए ज़रा, अंदर जाने के कोई रास्ते भी नहीं है, ये देखिए। और पूरी पार्किंग जहां आपको व्हीकल खड़ी करने की जगह नहीं होती थी, आज वो पूरी खाली है। तो ये है देखिए जी सोनप्रयाग, ये हालात हैं जी। देखिए सोनप्रयाग के, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है तब आप आगे की ओर जाते हैं। न्यूज़ वगैरह तो हम भी देख रहे हैं, बट एक्चुअल में जो यहाँ की कंडीशन है वो अब जाकर पता चलेगी और आपको भी सब कुछ समझ आएगा। सर यात्रा करने ही नहीं जा रहे हैं, जस्ट यहाँ से कवर करना है कि दोस्तों सोनप्रयाग से आगे जो बैरिगेटिंग है उससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, बट परमिशन लेके हम जस्ट आपको दिखाने के लिए थोड़ा आगे तक दिखा देंगे, उससे आगे जाने की परमिशन तो नहीं मिली है। जब आपदा भी आई है 31 जुलाई को, तो यहाँ पूरा पानी था इस पूरे एरिया में। अब इस नदी को क्रॉस करने के लिए ये एक न्यू ब्रिज बनाया जा रहा है। तो यही हालात हैं अभी इस पूरे ही सोनप्रयाग बाज़ार के। ये सामने कंपनी है दोस्तों जो केदारनाथ के लिए ही काम करती है, यहाँ के रोड वगैरह बनाना, टीन शेड वगैरह डालना, ये वही कंपनी है। और इसका जब ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो आधा हिस्सा ही ये बह गया है। कंस्ट्रक्शन का काम तो अभी यहाँ पर चल ही रहा है, ये देखिए मशीनें लगी हुई हैं। ये जगह है दोस्तों सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड, और अभी यहाँ रास्ते ही टूटे हुए हैं, लेकिन रास्ते को बनाने का काम जारी है, चल रहा है। ये देखिए अभी तो काम यहाँ पर पूरी तरह से जारी है, पूरा रोड नीचे बह गया था, ये कट गया था और अभी ये बनाया जा रहा है आगे, देखिए। दोस्तों इस टैक्सी स्टैंड से इधर की साइड से टैक्सियां जाती थी, फिर ऊपर से वो टर्न होके आगे की ओर मिलती थी, लेकिन अभी जो रास्ते हैं वो इस साइड से बना जा रहे हैं, वो देख सकते हैं आप। यहाँ से ऊपर चढ़ना है, फिर आगे जाके आपको टैक्सीज मिलेंगी। ये देखिए नया रास्ता कुछ ऐसा है, पूरा इस पूरे जोन में ही लैंडस्लाइड हुई है, वहाँ देखिए रास्ते पूरे ख़त्म हैं। और यहाँ बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, तो ये ब्रिज क्रॉस करके ये चढ़ाई चढ़ के आपको थोड़ा आगे की ओर जाना होगा, वहाँ से टैक्सीज मिल जाएंगी। ये है इस पूरे ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक सबसे हैवी लैंडस्लाइड जोन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी, देख सकते हो आप। जब तक बारिश नहीं रुकती है इस रूट से जाना बहुत डेंजर हो सकता है। तो ये भी बहुत डेंजर है, ये देखिए
यही है दोस्तों हालात, बहुत गंभीर। और यहाँ पर वैसे खड़ा होना भी खतरे से खाली नहीं है। अब ये पूरा ही रोड जो था ये ऐसे जाता था, तो पूरा ख़त्म हो चुका है। और ये बहुत, यहाँ से देखने में ना बहुत डेंजर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी जो टेम्परेरी रूट है वो कुछ ऐसे है बनाया गया है, लेकिन ये रिस्की है, इसे परमानेंट बनाने में टाइम लगेगा। तो दोस्तों अभी एक टैक्सी मिल गई है और करीब 6 लोग हो गए हैं हम सिर्फ गौरीकुंड तक जाने के लिए, परमिशन लेकर। ऐसे नहीं जा रहे हैं क्योंकि यात्रा बंद है, परमिशन के साथ सिर्फ गौरीकुंड तक जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को हालात पता चल सके कि वहाँ के क्या हालात हैं। हालात बहुत गंभीर है, आप लोग भी देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। गौरीकुंड में आप देख सकते हो जो वहाँ के हालात हैं स्टार्टिंग के, वो तो ख़राब है, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट पूरा रास्ता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यात्रा चलाना चाहें तो ये चला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ये देख सकते हो आप, क्या पहाड़ का पूरा हिस्सा ही नीचे आ चुका है। ये देखिए सारी जो रेलिंग थी वो नीचे जा चुकी है, ये देखिए। लेकिन यहाँ रास्ते को बनाने का काम चल रहा है, यहाँ देख भी सकते हो आप। बहुत ख़तरनाक जोन लग रहा है देखने में। गौरीकुंड का टैक्सी स्टैंड, गई दोस्तों। ये देखिए कितना खतरनाक एरिया है, और ये पूरा रोड यहाँ से टूटा हुआ है, ये देखिए। और ऊपर पहाड़ भी कितना डेंजर है, ये पूरा यहाँ से ना नीचे से खोखला हो रखा है ये। ये देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भाई। ये है गौरीकुंड का सबसे बुरा हाल, जहाँ पे सबसे भयंकर वाली लैंडस्लाइड हो रखी है। देखिए ज़रा आप, मतलब जो पूरा पहाड़ है वो ही टूट कर नीचे आ गया, और ये पेड़ भी टूट गया इसी में। देखिए ज़रा, अब अगर यात्रा भी शुरू होती है तो साइड से होकर ही जाना होगा। ये जो रास्ता है यहीं से निकल के आगे गौरीकुंड की ओर जाना होगा। हालात गंभीर हैं अभी। देखिए दोस्तों, गौरीकुंड की ये पूरी जगह है, यहाँ ये बाइक लैंडस्लाइड में पूरी दब चुकी है। पूरी बुलेरो जो HR की है, HR नंबर आप देख सकते हो, पूरा इस लैंडस्लाइड के मलबे में यहाँ दब चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हो जिस टाइम यहाँ लैंडस्लाइड आई हुई होगी क्या बुरा हालात होंगे यहाँ के, इस गौरीकुंड के। बहुत ज़्यादा, बहुत बुरे हालात हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, जहाँ गौरीकुंड पूरा भर के चलता है यात्रियों से, आज वो पूरा खाली पड़ा है। ये देखिए दोस्तों, गौरी माता का मंदिर। और आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया ही वो मेन गौरीकुंड है, जहाँ पर स्नान किया करते थे यात्री
केदारनाथ यात्रा करने से पहले। लेकिन जो 31 जुलाई को यहाँ पर बादल फटा था, आपदा आई थी, उस वजह से ये पूरा गौरीकुंड ही विलुप्त हो गया है। आप देख भी सकते हो, आपको ये जो पूरा एरिया नज़र आ रहा है ये पूरा ही गौरीकुंड होया करता था, जो अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, विलुप्त हो गया है। जो इसका गर्म जल था वो भी यहाँ से निकलता हुआ कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा जो पूरा गर्म कुंड है वो नज़र ही नहीं आ रहा है, विलुप्त हो गया है भाई इस आपदा में। सबसे बड़ा नुकसान तो यही आप कह सकते हो, जो प्रकृति का एक चमत्कार था इस पूरी केदारनाथ यात्रा में, वो गर्म कुंड ही विलुप्त हो गया। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं जहाँ हम परमानेंटली रुकते हैं, सुनील लॉज गौरीकुंड। और बस वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पर होटल में कोई आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही भैया हैं, वरना सब जा चुके हैं यहाँ से। और हेलीकॉप्टर तो उड़ रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सो दोस्तों अभी मैं हूँ सिरसी हेलीपैड के पास, हिमालयन एविएशन के जस्ट पास में ही हूँ। मेरे बैक साइड में यहीं पर है हेलीपैड। और जिस तरह से बताया जा रहा न्यूज़पेपर्स में कि ऑफलाइन टिकट्स मिल रही है, बट यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आप कह सकते हो वो ये है कि टिकट नहीं मिल रही है। जो गवर्नमेंट कह रही है कि 25% ऑफ मिल रहा है, वो मिल तो रहा है, बट उसकी कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये सर्विस ऑनलाइन जिनकी टिकट्स बुक है उनको ही देंगे, उसके बाद ऑफलाइन में जो टिकट्स बचती हैं तो ये तब जाके सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको 25% ऑफ दिया जाएगा। बट वो टिकट बहुत रेयर मिल रही है, बिकॉज़ जो ऑनलाइन है अभी अगस्त में उन्हीं को वेदर की वजह से फ्लाई नहीं मिल रही है। तो आप सोच सकते हो बहुत मुश्किल है अगर आप ऑफलाइन हेली सर्विस के थ्रू आ रहे हो यात्रा करने, तो बहुत रेयर चांस है कि आपको हेली सर्विस मिल जाए 25% ऑफलाइन बेस पर। तो दोस्तों यही था आज के व्लॉग में जो हमने आपको दिखाया, सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक जो रूट है उसके क्या हालात हैं, सब कुछ आपने देख लिया होगा। और भी व्लॉग आपको आगे मिलने वाले हैं। ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप ज़रूर से लाइक करना और शेयर भी करना जो लोग यात्रा पर आ रहे हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप इन फ्यूचर भी देखना चाहते हो ज़रूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू व्लॉग या वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, हर महादेव, जय श्री केदार। अगर आप जाना चाहते हो तो आपको अपने रिस्क पर ही जाना होगा। सोनप्रयाग का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपको क्लियर करना पड़ेगा कि इनकेस आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार खुद आप हैं। जय श्री केदार। दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं और दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए, और क्राउड तो दोस्तों है ही नहीं, जो यात्री है बहुत कम है, तो दर्शन तो अच्छे से हो ही जाएंगे।